अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3, रॉक्स। दो चैप्टर प्रीवियस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं विद रिटन वर्क। तो चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर नंबर 2, रॉक्स। रॉक्स की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी, रॉक्स मिनरल एंड एलिमेंट्स। तो टुडेज ऑब्जेक्ट इज डिफाइन रॉक्स मिनरल्स एंड एलिमेंट, रिव्यू करेंगे, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रॉक्स, एक्सप्लेन इग्नीशियस रॉक एंड टाइप्स ऑफ इग्नीशियस रॉक। तो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था व्हाट इज रॉक्स। रॉक्स आर अ नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल कंपोज ऑफ वन और मोर मिनरल्स। फिर हमने मिनरल्स की बात की थी कि मिनरल्स आर नेचुरल सॉलिड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अर्थ, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, डायमंड, सॉल्ट एंड कोल। मिनरल्स आर मेड फ्रॉम वन और मोर एलिमेंट। फिर हमने एलिमेंट्स की बात की थी कि एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस फाउंड इन द यूनिवर्स। क्लोरीन, सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर सम ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड क्लोरीन आर टू एलिमेंट्स दैट कंबाइन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड और सॉल्ट। सिमिलरली कोल इज मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन प्रीवियस लेक्चर रॉक्स, मिनरल्स एंड एलिमेंट्स डिस्कस किए थे। नाउ द रॉक्स आर कंटिन्यूअसली फॉर्मिंग, डिस्ट्रॉइंग एंड देन फॉर्मिंग अगेन। दे आर फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉइंग बाय द नेचुरल प्रोसेस कॉज्ड बाय एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड और आउटसाइड द अर्थ। जमीन के अंदर और बाहर जो है वो एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से रॉक्स जो है वो बन रही होती है, डिस्ट्रॉय हो रहा होता है नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल प्रोसेस। रॉक्स आर डिवाइडेड इन डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। टाइप्स ऑफ रॉक, द फॉलोइंग आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ रॉक। तीन तरह की रॉक्स पाई जाती है, नंबर 1 इग्नियस रॉक्स, नंबर 2 सेडिमेंट्री रॉक्स एंड नंबर 3 मेटामॉर्फिक रॉक। सबसे पहले आप जो है वो नेम द बेसिक टाइप्स ऑफ रॉक, उसमें ये तीन क्वेश्चन आपका है, नेम द बेसिक टाइप्स ऑफ रॉक, उसमें ये तीन रॉक्स का नाम लिखेंगे, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो टुडे इज डिस्कस इग्नियस रॉक्स। इग्नियस मीन्स फायर। Igneous rocks are commonly found in the arch crust. The word igneous derived from a Latin word ignis meaning fire. Igneous ka matlab pehle maine bataya kya hai, fire ya aag. As the name suggests, igneous rocks are volcanic rock made from the molten material or magma present inside the earth. Zameen ke andar jo lava ban raha hota hai jise hum magma kehte hain, wo kyunki bahut garam kholta hua aag ki tarah hota hai to igneous ka naam usse nikla hai aur usse वो मैग्मा। मैग्मा इज अ वेरी हॉट मटेरियल, इट्स टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 600 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। इग्नियस रॉक्स फॉर्म व्हेन मैग्मा कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड। जब ये मैग्मा जमीन से निकलता है बाहर लावे की सूरत में, ये नजर आ रहा है आपको लावा, इसकी सूरत में जब ये बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद पहाड़ से बाहर निकल जाता है और निकलने के बाद जब वो कूल डाउन हो जाता है, जब वो जमा हो जाता है, तो जमा होने के बाद और कूल डाउन होने के बाद वो रॉक की फॉर्मेशन इख्तियार कर लेता है, तो वो कहलाती है इग्नियस रॉक। ये देखिए ये एक आपको नजर आ रहा है जमीन के अंदर से ये मैग्मा निकलता हुआ बाहर निकल आता है और बाहर जब एक्सप्लोजन हो जाता है तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता बहता हुआ फिर ये यहाँ पर आता है। तो ये स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा प्रोड्यूस कोर्स ग्रेन रॉक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर अब इसके जरिए जमीन से बहुत सारे मिनरल्स भी निकल कर आते हैं, जमीन से बहुत सारे मिनरल्स भी निकल आते हैं, तो ये कहलाता है मैग्मा और ये कहलाती है इग्नियस रॉक। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, कितने तरह की इग्नियस रॉक्स होती हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इन पाकिस्तान इग्नियस रॉक्स आर फाउंड इन देर, सवात, चित्राल, गिलगित, जोहब, चागी, लजवेला एंड नगर परकर। ठीक है, तो यहाँ सब जगह पे इग्नियस रॉक्स पाई जाती है। टू टाइप्स की इग्नियस रॉक है, एक कहलाती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और दूसरी कहलाती है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्म डीप इनसाइड द क्रस्ट, जमीन के काफी अंदर जो है वो ये इग्नियस रॉक्स जो है वो फॉर्म होती है, जमीन के काफी अंदर से ये चीजें निकलती हैं, वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाती है। दीज रॉक्स आर फॉर्म बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ। जमीन के अंदर जो मैग्मा कूल डाउन हो जाता है वहां पर और सॉलिड डिफाई में कन्वर्ट हो जाता है, वहां ये इग्नियस रॉक बनती है। द ग्रेनाइट इज द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट एक पत्थर कहलाता है जो कि बहुत कॉमन इग्नियस रॉक है जो जमीन के अंदर पाया जाता है। अदर एग्जांपल्स आर गैब्रो, डायोराइट, पेगमेटियाइट एंड पेरियडोटाइट।
ये सारी की सारी इग्नियस रॉक कहलाती हैं। ऑल द कॉन्टिनेंट्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ दीज रॉक्स, ये सारी की सारी रॉक्स कहलाती हैं। ठीक है, दूसरी है एक्सप्लोसिव इग्नियस रॉक फॉर्म्ड एट द अर्थ सर्फेस एंड द ओशियंस फ्लोर। ये जो है वो जमीन के ऊपर पाई जाती है, यानी जो आपका ओशियन फ्लोर, जो आपका समंदर का फ्लोर होता है, जमीन होती है उस पर। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा राइजेस टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड स्पिल्स आउट एज ऐश और लावा। लावा और ऐश की सूरत में पाया जाता है। द लावा कूल डाउन एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू क्रिस्टल्स। ये लावा कूल डाउन हो जाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है किस पे? क्रिस्टल्स पे। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोसिव इग्नियस रॉक इज बासाल्ट। बासाल्ट इज अ वॉल्केनिक रॉक मोस्टली फाउंड एट द ओशियन फ्लोर। अदर एग्जाम्पल्स आर प्यूमिक, एंडेसाइट, स्कोरिया, ओबीसी, डीएन एंड टफ। ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं किसकी? एक्सक्लूसिव रॉक्स की। तो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक की मैंने आपको सारी चीजें बताई, ये आपको एग्जाम्पल्स नजर आ रही है, बासाल्ट, प्यूमिक, ओबीसी, डीएन। द सेडिमेंट्री रॉक जो है वो इंशाल्लाह हम जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, सेडिमेंट्री रॉक को डिस्कस करेंगे। आज अभी इतना ही रखती हूँ मैं। आपने क्या करना है, इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन इस वक्त सेडिमेंट्री रॉक की हम बात करेंगे। इग्नियस रॉक आपने अभी क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एंड क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 जो बी पोर्शन है डिटेल्ड, उसमें टाइप्स ऑफ रॉक लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 1B, ये सारे जो है वो आपने करने हैं। नंबर 2, द सेडिमेंट्री रॉक्स। द सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस एंड ओशियन फ्लोर। द वर्ड सेडिमेंट्री ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेडर मीनिंग टू सेटल। सेडर का मतलब क्या है? सेटल। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? नजर आ रही होगी आपको रॉक, ये सेडिमेंट्री रॉक है जो कि कहाँ हुई भी है, क्या हुई भी है, सेटल डाउन हुई भी है किसी भी जमीन के ऊपर। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रोकन पार्टिकल्स ऑफ अदर रॉक्स कॉल्ड सेडिमेंट। डिफरेंट रॉक्स के ब्रोकन पार्टिकल्स जो है वो डिपॉजिट होते जाते हैं और जो रॉक बनती है वो क्या कहलाती है? सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। इसीलिए इसको दीज आर ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स के जो बचे हुए पार्ट्स यानी खत्म हो जाते हैं, वो बच जाते हैं, वो जमीन के अंदर जमा होते रहते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं और फिर रॉक्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। दीज रॉक्स आर यूजुअली फॉर्म्ड इन लेयर कॉल्ड स्ट्रेटा। ये जो लेयर्स बनी हुई होती है क्या कहलाती है? ये स्ट्रेटा कहलाती है। द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस। सेडिमेंट्री रॉक्स की जो फॉर्मेशन है वो इन फॉलोइंग प्रोसेस से डिपेंड करती है। नंबर 1, वेदरिंग। वाटर, आइस, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एक्सट्रीम वेदर कॉज ब्रेक डाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉल पीस सेडिमेंट। पानी है, बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा मटीरियल में पानी आ रहा है, आइस, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो एक्सट्रीम वेदर की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है, रॉक्स को क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं और फिर क्या होता है, वो सेडिमेंट्स जो स्मॉल पीसेस होते हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं, तो वेदरिंग की वजह से ये रॉक्स बनती हैं। इरूजन, विंड्स, रनिंग वाटर और ग्लेशियर ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट्स टू अदर प्लेसेस और ओशियंस। डिपोजिशन, सेडिमेंट्स सेटल ऑन द ओशियन फ्लोर एंड फॉर्म लेयर ओवर टाइम। नंबर 5, कॉम्पैक्शन। अपर लेयर ऑफ सेडिमेंट्स पुट प्रेशर ऑन लोअर लेयर एंड स्क्वीज देम एंड सेमेंटेशन। सेडिमेंट्स स्टिक टूगेदर एंड फॉर्म इनटू सेडिमेंट्स रॉक। सेमेंटेशन होती है सेडिमेंट्स आखिर में, सबसे पहले वेदरिंग, नंबर 2 फिर इरोजन, फिर डिपोजिशन, फिर कॉम्पैक्शन और फिर आखिर में सेमेंटेशन, यानी उसको मजबूत बना देते हैं। ये देख लें सब नजर आ रहा है, ओवर टाइम द बॉटम लेयर्स टर्न इनटू रॉक। आहिस्ता आहिस्ता वेदरिंग हुई है, सी, फिर ये प्लांट एंड एनिमल्स की डिपोजिशन आ रही है, लेयर ऑफ सेडिमेंट फॉर्म्स हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता पूरी एक रॉक बन जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो टुडेज होमवर्क इज दैट क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 5 क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वो कंप्लीट करने हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 2 का 1A एंड 1B ये आपने कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 डिटेल के 2 और शॉर्ट के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। इज योर होमवर्क, मेक अ टाइटल पेज एंड कंप्लीट द एक्सरसाइज इन योर बुक। तो आज इतना ही करेंगे, अब यहीं रखते हैं, कंप्लीट काम कीजिए, सारा काम कंप्लीट करने के बाद कॉपीज मुझे चेकिंग के लिए भेज दें। काइंडली कंप्लीट योर वर्क इन योर कॉपीज। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।